सही है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, सूरज सूरज रहेगा, चांद चांद रहेगा, है ना, उसकी रोशनी अपनी रहेगी, उसकी रोशनी अपनी रहेगी। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए ज्यादा किसी को हवा में फूलना नहीं चाहिए, अगर कहीं कुछ फैसिलिटी मिल गई तो। रेस में जीतने वाले घोड़े को पता होता है कि, रेस में जीतने वाले घोड़े को पता होता है क्या कि मैं क्यों जीत रहा हूँ? नहीं पता रहता है उसको, तो सिर्फ उसका मालिक दंड देता रहता है, चाबुक मारता रहता है और परेशानियां देता रहता है, और वो भागता रहता है और जीत जाता है। तो ऐसे ही अगर आपकी जीवन में कोई तकलीफ आती है, तो ये समझना कि जो सृष्टि का मालिक है वो मुझे जिताना चाह रहा है, तो ये तकलीफ के बाद यानी मेरी जीत पक्की है ना, भाव ये रहना चाहिए। संबंध कभी मीठी आवाज और सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय से और विश्वास से। जरूरी नहीं कि भक्ति बुढ़ापे में हो, क्या पता, काफी लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, है ना, तो जरूरी नहीं भक्ति का समय बुढ़ापा ही हो, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं कि बुढ़ापा भी आए। इसलिए जब समय मिल जाए, जब भगवान का जब टाइम मिल जाए, तब भगवान की भक्ति में जुट जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्ण के चक्कर में आने का मतलब है बाकी सारे चक्करों से मुक्ति। जब कृष्ण के चक्कर में आ जाएंगे तो सारे चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी। उस इंसान को कोई बदल नहीं सकता जिसको खुद की गलती नजर ही ना आती हो। कुछ भी हो जाए उसे दूसरों की गलती दिखेगी, दूसरों को मुंह पे बोलने वाला होगा, फट फट बोलने वाला होगा कि भाई मैं मुंह पे फराटेदार बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पर खुद के ऊपर बात आएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो जब तक अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा इंसान, तब तक वो बदल नहीं सकता। दहेज में दिया गया पैसा पैसा बेटी को काम नहीं आएगा, तो उसको दिए गए संस्कार ही उसको काम आएंगे। इसलिए संस्कार पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अपना अपना अलग अलग होता है। चाहे कितने भी बुरे हालात हो जाएं, चाहे कहते हैं राम जी के गुरु कहते हैं, चाहे तुझे खाने को नहीं मिले, चाहे सोने को जगह नहीं मिले, पर फिर भी गलती से भी कभी सत्संग का त्याग मत करना, क्योंकि सत्संग का त्याग तेरे को डुबा देगा, और सत्संग में जुड़ा रहेगा तो कितनी भी परेशानी आए उन परेशानियों को तू हंस के सह लेगा और उनसे निकल जाएगा। जो तेरे प्रारब्ध है तेरा, वो हंसते खेलते कट जाएगा। तो इसके लास्ट को यहीं पे रोकते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, टाइम हो रहा है, फीडबैक की तरफ चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं फीडबैक की, रेखा जी से।